हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली ये नया वीडियो आप लोगों को मैं लेके आया हूँ। हमेशा से है जो इतनी सारी क्वेरीज रही हैं कि सर ऑलरेडी आपको है जो निफ्ट मिल गया है, सो कौन सा लैपटॉप या फिर फोन लें जो कि आपको है जो रिक्वायर्ड होगा ड्यूरिंग द निफ्ट। और सर आईफोन लें कि नॉर्मल फोन लें या फिर आईपैड लें या फिर मैकबुक लें, विंडोज, देयर आर सो मेनी क्वेरीज पीपल ऑलरेडी आस्क थ्रू द व्हाट्सएप एंड थ्रू द इंस्टाग्राम। सो इस वीडियोस में आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करूंगा कि आपके है जो करियर के लिए बेस्ट क्या होगा और अफोर्डेबल प्राइस में आप कैसे है जो आप अपने आप को हर एक चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज का लेक्चर इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लीज गाइज, ज्यादा से ज्यादा अपडेट पाने के लिए निफ्ट NID NATA यू सीट के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, यहां पे आप मुझे फॉलो करके जितना भी निफ्ट से रिलेटेड स्टफ होता है अपडेट है जो पा सकते हो। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आई ऑल्सो स्टार्टेड माय ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस थ्रू द इग्नाइट इंडिया। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड या फिर कोई भी फैशन डिजाइनिंग एस्पिरेंट है उसको क्लासेस की नीड है, माय क्लासेस फॉर द डेमो इज ए फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइज, तिलक नगर दिल्ली में मैंने अपना ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया एंड ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करा रहा हूं पूरे ऑल ओवर द इंडिया से। आप कहीं से भी है जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो और अपने ड्रीम कॉलेज को है जो पा सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए प्लस कॉलेज की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम बात करें कि इतने सारे डिपार्टमेंट जो भी है, TD, FD, KD, LD एंड FC, जो भी ADV, राइट, सो जो भी डिपार्टमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले वो कैसे वॉक कराते हैं, ठीक है। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट सबके लिए है, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड इन डिजाइन, ये तीन सॉफ्टवेयर पे पूरी इंडस्ट्री चल रही है और निफ्ट भी इन पे वॉक कराता है। एंड आफ्टर द कोविड सिचुएशन एक और सॉफ्टवेयर आ गया, दैट इज क्लो 3D, वो भी 3D फैशन एंड मॉडलिंग के लिए, ठीक है। सो इस वजह से ये सॉफ्टवेयर तो कंपल्सरी सबके लिए है। और अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स वाइज, तो डिपार्टमेंट वाइज जैसे एक्सेसरीज डिजाइन का उनका अलग हो जाता है ज्वेलरी डिजाइन वाला, FC की बात करें उनका है जो प्रीमियर प्रो या और प्रो क्रिएट एंड जो भी वीडियो एडिटिंग एंड जो भी से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर है एक दो अलग हो जाते हैं। अगर हम बात करें LD का सेम होता है जैसे FD वाला और KD वाला, और जो भी सॉफ्टवेयर तीन होते हैं उन पे ही वर्क करते हैं, उससे ही हो जाता है, राइट। सो बेसिकली अगर हम बात करें जो तीन सॉफ्टवेयर है वो कंपल्सरी है सबके लिए, इन डिजाइन, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, राइट। अगर ये तीनों आपके लैपटॉप में चल रहे हैं, जो भी बचे हुए जो भी आपके सॉफ्टवेयर है वो सारे हैं जो एक साथ चल जाएंगे। सो इस वजह से बहुत से बच्चों की क्वायरी है कि सर मेरे पास ऑलरेडी लैपटॉप है, क्या हमको नया लैपटॉप लेने की नीड है। मैं आपको सच में बताता हूं गाइस, जो भी आपका लैपटॉप है ना उसमें ये तीन सॉफ्टवेयर वेरी इजिली चल जाएंगे, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड इन डिजाइन, ठीक है। सो आपको ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी है आप प्लीज ये तीन सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल कर लो या फिर क्रैक कर लो। अभी यहां पे सबसे बड़ा है कि सर क्या ये तीन सॉफ्टवेयर के लिए हमको पे करना होता है क्या, क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर है जितने भी है। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं इनको पे करने की कोई नीड नहीं है आपको। इसके क्रैक वर्जन आते हैं, पायरेटेड वर्जन आता है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा कि इनको क्रैक कैसे करते हैं, आप वहां जाके क्रैक कर लोगे। ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं विंडोज वालों के लिए दे रहा हूं कि विंडो वालों के लिए बहुत ज्यादा ईजी होता है, जितने भी पेड सॉफ्टवेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप उनको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो इसलिए रुपए इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है ऑलरेडी आप उससे ही काम चलाओ। अगर ये तीन सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे हैं, आपका हैंग कर रहा है, तब आप दूसरा सोचना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि क्या लैपटॉप कंपलसरी है फर्स्ट सेमेस्टर में। गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर काम चलाओ तो सारी चीजें चल जाएंगी, क्योंकि आपके हैं जो कॉलेज में भी है जो लैब्स हैं उनके थ्रू भी आप जाके काम कर सकते हो। बट गाइज जब अपनी चीजें होती है आप दिन रात एक कभी भी बैठ के अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग चीजें सीख सकते हो, राइट। कॉलेज में आप रात में नहीं बैठ सकते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग आफ्टर द कोविड सिचुएशन एवरीथिंग यू नो हैज बीन चेंज्ड, सारा कुछ डिजिटल हो गया है। सो जब तक आप डिजिटल एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है, राइट। सो इसलिए आपके पास ऑब्वियसली इट्स कंपलसरी आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया उनके फीस पे, तो आप काम चला सकते हो महीने दो महीने, बट इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द असाइनमेंट एंड डिपेंड अपॉन द कॉलेज कि वो आपको अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट मेरे अकॉर्डिंग आपके पास भले सस्ता घटिया कोई भी लैपटॉप हो, एक लैपटॉप होना
करना ही चाहिए, क्योंकि डिजिटल अभी है जो एरा आ चुका है, और अगर आपका डिजिटल अच्छा नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो लाइफ में, राइट। सो इस वजह से आप प्लीज लैपटॉप पे कहीं ना कहीं अफोर्ड कर लेना। प्लस गाइज, अगर हम बात करें कि अब बच्चों की क्वायरी आएगी कि सर विंडो लैपटॉप लें या फिर है जो मैकबुक लें या फिर मैकबुक एयर लें, मैं आपको बता देना चाहता हूं बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। अगर आपके पास विंडोज लैपटॉप होगा, आप लाइफ में बैठे बैठे जो कुछ भी करना है, दुनियादारी सब तुरंत ऐसे क्विक कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मैकबुक लेते हो तो तुरंत सोचोगे तो तुरंत वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बहुत ही अलग सिस्टम एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है। बिकॉज गाइज, मेरे पास मैकबुक एयर था, तो जब भी मुझे है जो कभी भी कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता तो मैं खुद से क्रैक नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। इस वजह पर सॉफ्टवेयर को है जो क्रैक करने के लिए मुझे है जो लेके जाना होता था लैपटॉप जहां पे क्रैक वर्जन मिलते हैं, पर सॉफ्टवेयर मुझे 500 से लेके 1000 रुपए पे करना होता था। कुछ भी हो जाता था या फिर कभी लैपटॉप इधर उधर गया, कुछ भी हुआ, फिर से डाउनलोड करने का 500 रुपए देना पड़ता था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सब प्रॉब्लम आ सकती है, फाइल्स की प्रॉब्लम आ सकती है, प्लस स्पेस बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो अगर आप सस्ता वाला लोगे उसमें स्पेस प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप बहुत ही इजिली हर काम करना चाहते हो, मैं बताना चाहता हूँ, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप विंडो के साथ जाओ, क्योंकि मैकबुक के बहुत ज्यादा अलग ही चोचले हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी झेल के रखा एंड मेरे पास तो डेस्कटॉप था, इस वजह से मेरा काम चल गया, ठीक है। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनके पास मैकबुक होता वो नहीं कर पाते, कर लेते हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए कंपेरिजन टू विंडोज वाले स्टूडेंट, क्योंकि उनके पास स्पेस होता है, उनके पास हर एक चीज होती है कि भैया तुरंत ही कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके तुरंत सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा विंडोज ही प्रिफर करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए भी, और अच्छे से है जो चीजों को, और इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो आपको विंडोज ही लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप हर चीज आपको प्रोवाइड होगा, मैकबुक बहुत रेयर होगा कि आपके मैक के है जो आपको डेस्कटॉप दिए जाएंगे, ठीक है। प्लस गाइस, अगर अभी आपको लेना होगा तो सर कौन सा लें, ठीक है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी है जो लैपटॉप की 4GB ग्राफिक कार्ड है ना, तो सारे सॉफ्टवेयर इजिली आपके हैं जो रन कर जाएंगे। तो 4GB ग्राफिक कार्ड होना ही चाहिए, 4GB से कम है तो भी ये रन कर जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म की सोचा जाए 4 से 5, 5 से 6GB ग्राफिक कार्ड होगा तो आपके ये इजिली है जो सॉफ्टवेयर सारे रन कर जाएंगे, आप इजिली इन पे वर्क कर पाओगे, राइट। सो इस वजह से है जो आप देखना कोई भी लैपटॉप लेते हो और कौन सा बेस्ट होगा। गाइज, अगर हम बात करें, बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं गेमिंग अच्छा होगा, कोई कुछ करता है क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा होता है, तो वो आप देख लेना कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि देखो सबका बजट अलग अलग होता है। मैंने आपको बता दिया नॉर्मल 4GB ग्राफिक कार्ड है, सारा कुछ चल जाएगा, और नॉर्मल लैपटॉप में ये सारे सॉफ्टवेयर चल जाते, इतने भी हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आप यूज कर रहे हो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर लाइक ZBrush और भी, तब कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बट उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं अभी निफ्ट में, राइट। तो आप नॉर्मल लैपटॉप भी लेके जाते हो, उससे भी आपका काम चल जाएगा। अगर हम बात करें ब्रांड की गाइस, कोई भी देख लो, HP, Dell, Acer और बहुत सारे ऐसे करके लैपटॉप हैं जो आप ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो आप प्लीज ले लीजिएगा, ठीक है। सो 4GB ग्राफिक कार्ड होना इज कंपल्सरी। अभी हम आ जाएं सर, कैमरा जरूरी है कि नहीं जरूरी है? प्लस अगर हम बात करें सर, iPad लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कैमरा इज नॉट कंपल्सरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आजकल के जो फोन आ गए ना, आप फोन से सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे पास MI का फोन था, 15 या 20 हज़ार का कुछ का फोन था, और काफी अच्छा था, ठीक है। उससे मैंने सारे असाइनमेंट अपने निपटा लिए थे, फोटो क्लिक करना ये सारी चीजें नॉर्मली कर लिया था। और अगर आपको कैमरे की स्किल सीखना हो, ऑब्वियसली कॉलेज में होता है, आप कॉलेज से इशू करा सकते हो। फॉर फैशन कम्युनिकेशन स्टूडेंट ऑब्वियसली कैमरा इज इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में नहीं, जब आप अपने डिपार्टमेंट में जाओगे सेकेंड ईयर में, तब आपकी फैकल्टी आपको बताएगी क्या करने की जरूरत है। अदरवाइज ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपको लाइफ में एक्सप्लोर करना है तो आपको चीजें लेनी पड़ेंगी, बट अगर आप सच में एक्सप्लोर करना चाहते हो और यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड एनीथिंग, कॉलेज में हर चीज मिलती है, आप इशू कराओ। थोड़ा सा झंझट होता है आगे पीछे, अदरवाइज हर एक चीज कॉलेज प्रोवाइड कराता है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इसलिए
फोन अच्छा रख लो 15,000 या 20,000 कोई भी, जिसका कैमरा क्वालिटी अच्छा हो। आजकल तो 10-10,000 के भी फोन ऐसे आ रहे हैं जिसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, सो आप उससे काम चला सकते हो, कैमरे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका बजट बन जाता है तो ऑब्वियसली मैं आपको बोलूंगा कि कैमरा ले लो, आप उसे एक्सप्लोर कर पाओगे, चीजें समझ पाओगे। मैंने अपना कैमरा है जो थर्ड ईयर में लिया हुआ था, जब मैं थर्ड ईयर में पहुंच गया था, और मैं आपको बता दे रहा हूँ असाइनमेंट के लिए नहीं लिया था, मैंने वीडियो बनाने के लिए लिया था अपने यूट्यूब चैनल के लिए, ठीक है ना। और जो है कि सर आईपैड ले कि ना ले, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कंप्यूटर है, या फिर आपके पास लैपटॉप है, क्या कंपलसरी है? गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि निफ्ट में है जो इतने ज्यादा असाइनमेंट मिलते हैं कि मैं आपको बता नहीं चाहता हूँ। आफ्टर द कोविड सिचुएशन सब कुछ डिजिटल हो गया है, राइट। और अगर हम बात करें इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इनडिजाइन की, ये सब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं और आपको स्पीड में टाइम लगता है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे आपकी स्पीड बढ़ जाती है, राइट। सो अगर आप वो टाइम सेव करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप आईपैड के थ्रू, क्या होता है कि आप डायरेक्ट कनेक्टेड होते हो स्क्रीन से, जैसे ड्राइंग बनाते हो पेपर पे जल्दी बन जाती, वैसे ही आपके उस पे बन जाती, तो आपका टाइम सेव हो सकता है उससे, क्योंकि उसमें प्रोक्रिएट या प्रीमियर प्रोक्रिएट सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू एंड ऑटो स्केचबुक है, उसके थ्रू आप कोई भी इलस्ट्रेशन तुरंत बना सकते हो 5 मिनट में। वही अगर कंपेयर किया जाए लैपटॉप में, अगर लेके बैठ रहे हो आपको, तो जो 5 मिनट में यहां बन रहे हो वहां 15 से 20 या 25 से 30 मिनट भी लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्पीड। सो अगर वो टाइम सेव करना चाहते हो ऑब्वियसली आईपैड होगा आपसे, है जो काफी जल्दी काम हो जाएगा और बहुत जल्दी आप सबमिशंस करोगे और एक्स्ट्रा चीजों पे भी आप अपना टाइम लगा पाओगे। अदरवाइज इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप और इन सबको सीखने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, और क्या होगा कि आपको हाथ बैठाना होगा उस अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इस वजह से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप आईपैड भी ले सकते हो। कई बच्चे कन्वर्ट वाला वो भी लेते हैं, जो आईपैड एंड जो भी कंप्यूटर लैपटॉप एक साथ होता है वो भी लेते हैं, जिसमें कि आप टच स्क्रीन होता है। तो आपकी चॉइस है, अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। अदरवाइज आप कंप्यूटर से ही काम कर सकते हो, ठीक है। इट्स एक्स्ट्रा चीज, अगर आप चाहते हो तो आप कर लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड कि आप फर्स्ट ईयर से ही लेके बैठ जाओ। मैंने अपना आईपैड सेकेंड ईयर में लिया हुआ था, जब मुझे कुछ ना कुछ बनाने की नीड हो रही थी, जब मुझसे टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं अफोर्ड कर सकता था, मैंने तब लिया। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती मैंने अपने फैमिली को पुश किया हो, ठीक है। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ऑब्वियसली करो। अदरवाइज अगर हम इंडस्ट्री की बात किया जाए तो आईपैड से बने हुए इलस्ट्रेशन वर्क नहीं करते हैं इंडस्ट्री में, वो आपको डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे ही काम करने के लिए बोलेंगे, और इनडिजाइन या फिर फोटोशॉप और ये जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए हुए हैं ना, उन पे ही वर्क करने के लिए बोलेंगे। तो इट्स बेटर टू वर्क ऑन योर कंप्यूटर लैपटॉप, बट आईपैड होगा तो आपका यहाँ सबमिशन या फिर असाइनमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी, जल्दी से आप करके सबमिट कर दोगे, बचे हुए टाइम पे आप थोड़ा सा चैन की सांस लेके सो भी सकते हो और एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो, राइट। आई थिंक इस वीडियोज मैंने आपकी सारी क्वायरीज क्लियर कर दी है। सो प्लीज गाइज, ज्यादा अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो जाके, और क्लिक द बेल आइकन। जैसे ही मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए करूँगा ना, सेमेस्टर में क्या प्रॉब्लम्स, क्या सिलेबस होता है, कैसे आपको वर्क करना है, जॉब अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट, इन सब से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। सो आप बेल आइकन क्लिक कर लो एंड आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे कि आपकी सबकी हेल्प मैं कर पाऊँगा यहाँ से बैठे बैठे। और डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द ग्रुप, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी ग्रुप बनाया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां अपनी क्वायरी डाल सकते हो कि वीडियो किससे रिलेटेड बनाना है। कमेंट बॉक्स में आप बताना मत भूलिएगा मेरे, आपको वीडियोस कैसे अच्छे लगते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन की नीड है। एंड प्लीज गाइस सपोर्ट करो, आई ऑलरेडी स्टार्टेड माय ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस फॉर निफ्ट एनआईटी नाटा यूसीट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजेस्ट करो, जिससे कि है जो सारे बच्चे अपने सपने पूरे कर पाए, जो भी उन्होंने ख्वाब देखे हैं अपनी डिजाइनिंग फील्ड के। आई नो अभी डिजाइनिंग फील्ड को लेकर अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, दैट्स द ओनली रीजन व्हाई डिजाइनर इज ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। एंड इग्नाइट इंडिया इज अ biggest you know coaching and the all India's first coaching classes center for NIFT NIT NATA, they are also supporting to designer, जिससे कि वो अपने भी सारे dream पूरे कर पाए। So please आप मेरे साथ जुड़िए और अपने सपने पूरे कीजिए। So चलिए guys, best of luck, bye bye.